विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग हैं उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की या क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है, तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा, स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शन आकर खड़ी हो गई। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे, इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। इसी तरह से एक बार फिर कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज
करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या पीएससी उसमें है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। एक और प्रावधान, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज़्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12-12% से कम करके 10-10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12-12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसीज या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी, जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी, और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा, और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसीज का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA पेपर और इससे भी नीचे वाले जो हैं उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और कुल मिलाकर इससे भी नई लेंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो कमी, भारी कमी आई है, और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में
कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन